हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू AVKS एकेडमी। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एज रिलैक्सेशन, या आप कह सकते हो एज क्राइटेरिया फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। और यहाँ पे हम जो भी डेट्स लेके जाएंगे, मतलब डेट्स जो भी हम आपको बताएंगे, वो रहेगा इन अकॉर्डेंस विथ CAPF 2020 एग्जाम जो 9 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे सिविलियन, मतलब जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पूछते रहते हैं कि वेदर दे आर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। सर मैं एक बैंक में काम करता हूँ, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, या मैं रेलवेज़ में करता हूँ, या मैं डिफेंस में करता हूँ, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है प्लस 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है OC, OBC और SC/ST का। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया आपको जानना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ पे देखो OC OBC का कोई यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं है, ज़ीरो। ठीक है, EBC का कोई नहीं है, क्योंकि EBC आपको बस कट ऑफ में कुछ वेरिएशन दिखाई देगा, लेकिन कोई यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखोगे इस साल, दैट इज 2020 एग्जाम के लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए 2 अगस्त 1995, बिटवीन 2 अगस्त 1995 टू 1 अगस्त 2000। अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट भी आ गया समझ लो, 1 अगस्त भी आ गया समझ लो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एक दिन भी यहाँ पे वेरी हो गया तो आप, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, ये रहेगा आपका OBC SC/ST के लिए, सबके लिए सेम है ये एज क्राइटेरिया, आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी OBC हो गया समझ लो, OBC हो गया, तो OBC में आपको प्लस 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे 1995 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अगस्त 1992 हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? और SC/ST का देख लो, यहाँ पे आपको 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अगस्त 1990 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे 5 ईयर्स, यहाँ पे 3 ईयर्स, यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आते हो, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आते हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस फाइव, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। समझ लो, फॉर एग्जांपल ले लेंगे, आप OC कैटेगरी के हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया ये साल का, दिस ईयर का, समझ लो 1 जनवरी 1995 है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आते हो, तो आप जो है ये एग्ज़ाम लिख सकते हो, क्योंकि आपको मिलेगा प्लस 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। एज ए क्लियर? यहाँ पे आपको 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो कौन कौन एलिजिबल है वो हम देखते हैं अभी। देखो, अगर आप रेलवेज के अंदर आते हो, देन यू आर एलिजिबल। होम मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हो, देन यू आर एलिजिबल, मतलब आप भी ये एग्जाम दे सकते हो विथ 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस में आपका सिविलियन करके अलग से कैटेगरी रहेगा, एक बार आप इंक्वायरी कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज सिविलियन के अंदर आते हैं, तो वो भी जो है एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो भी सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट भी जो है सिविलियन एम्प्लॉयज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोहिबिशन पीरियड के बाद ही आपको जो है ये क्राइटेरिया क्लेम मिलेगा। मतलब अगर आप समझ लो ये होम मिनिस्ट्री, समझ लो CAPF के अंदर हो, CAPF के अंदर आप एक BSF में आप एक कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, देन आल्सो यू आर एलिजिबल। लेकिन आपको जो है यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है, 1 ईयर का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड होता है या ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो आपको जो है कंप्लीट करना है, उसी के बाद जो है आप एलिजिबल रहोगे। तुरंत ही मतलब सेलेक्ट होने के बाद आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, इज इट क्लियर? सो होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।